आगे बढ़ते हैं, झोंपों की बात करेंगे जहां बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रहा। दिन दहाड़े लूट करने में भी बदमाश नहीं डर रही है। ताजा मामला रायपुर थाना क्षेत्र के बेकलदा गांव का है, जहां पेटलावत के अनाज व्यापारी मणिलाल पटवा से दो बाइक सवार चार बदमाशों ने धारदार हथियार और बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट की है। व्यापारी अनाज खरीदने रायपुरिया इलाके में आया था और इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अनाज व्यापारी से 3 लाख रुपए की दिन दहाड़े ये लूट की गई है। अनाज व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की गई और ये तस्वीर बता रही है कि कहीं ना कहीं इन बदमाशों में कानून का कोई डर नहीं है। बेखौफ बदमाश उस तरह की घटनाओं का अंजाम झाबुआ में देते हुए नजर आए, जब अनाज व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। हथियार के बल पर चार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस ने तहकीकात करना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि बेखौफ बदमाश झाबुआ में और अन्य क्षेत्रों में घूम रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कानून का, कोई खौफ नहीं है, और यही वजह है कि दिन दहाड़े हथियार दिखाकर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दो बाइक पर सवार होकर चार बदमाश आए और अनाज व्यापारी से हथियार के दम पर 3 लाख रुपए लूट लिए गए, लेकिन उन बदमाशों में बिल्कुल भी खौफ डर नजर नहीं आया। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बदमाश 3 लाख रुपए की लूट करके वहां से फरार हो गए। जी मीडिया संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, कहीं ना कहीं ये बदहाल कानून व्यवस्था की तस्वीर साफ करता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिन दहाड़े ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनाज व्यापारी है पेटलावत के मणिलाल पटवा, जो हाट बाजार के लिए इस तरीके से ट्रेवल करते हैं और आज अपने साथ करीब 8,25,000 रुपए लेकर के ये निकले थे। और पहले से ही इस व्यापारी की टोह देख रहे इन चार बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया था और इस हमले में घायल हो गए हैं, जिन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ये जरूर दावा कर रही है कि उन्होंने नाकेबंदी करके बदमाशों को पकड़ने की तैयारी कर दी है, लेकिन ये पहली वारदात नहीं है जो इस तरीके से किसी अनाज व्यापारी के साथ या दिन दहाड़े राहदारी की गई है। इसके पहले भी इसी थाना क्षेत्र के अलावा जिले के कई अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी तरीके की वारदात हुई है, जिससे कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा कर दिए हैं। पुलिस ने जिस तरीके से अब तक अपराधियों को धरपकड़ में नाकामयाबी उनके हाथ लगी है, इससे बदमाशों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। जी बिल्कुल सचिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।